बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट था टेलीग्राम पे। मैं देखता था कि रिलेटेड टू माइंडट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे रहते हैं, कि क्या क्या नॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट रहता है क्या, जो ट्रेनिंग में क्या होता है, फेल होते हैं कि कोई नहीं होते, सब कुछ सब डाउट रिलेटेड इसमें मैं क्लियर करूँगा। मैं करेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ माइंडट्री में। मैं ज्वाइन किया था माइंडट्री 5 मार्च को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर C1 बैंड में। मेरा CTC 3.5 था, बट उसके बाद वाले बैच को CTC 4 ऑफर किया, तो हमारे साथ कोई पार्शलिटी ना हो इसके लिए हमारा भी CTC बाद में 4 कर दिया। पहले माइंडट्री जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग 3 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, ऑलमोस्ट 84 डेज की ट्रेनिंग रहती है, उससे जाना पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग में हमारे साथ क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग के स्टार्टिंग वीक में ही आपको ट्रैक अलोकेट किया जाएगा। ट्रैक अलोकेशन बहुत ही रैंडम होता है, आज तक बहुत लोगों को हमें भी नहीं पता चला कि ये ट्रैक कैसे अलोकेट होता है, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है। उसके बाद में बेस वो ट्रैक बाद में आपको ट्रेनिंग में 2 पार्ट में आपको कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी। कैपेबिलिटीज़ यानी नॉलेज, तो पहले बेस कैम्प कैपेबिलिटीज़ यानी बेसिक नॉलेज आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 टॉपिक्स कवर करने रहते हैं, जैसे जावा के बेसिक्स, SQL के बेसिक्स, जावा नहीं रहता है, जैसे कि कोडिंग के बेसिक्स यानी फॉर लूप लगाना, वाइल लूप लगाना, सॉर्टिंग, सर्चिंग, उसके बाद में SQL 1 to many, मैनी टू मैनी, वो सब तो बेस कैम कैपेबिलिटीज रहते हैं। और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज आपके ट्रैक रिलेटेड, जैसे कि मेरा जावा माइक्रो सर्विस था, तो उसके रिलेटेड सारे कैपेबिलिटीज, ऑलमोस्ट 38 कैपेबिलिटीज होते हैं हर एक ट्रैक में, वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो उसके बाद में आता है ट्रेनिंग में सेमी अप्रेंटिसशिप, तो आपको उन लोग थोड़ा एक कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर वर्क करना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है, तो आपको यूज टू हो जाते हो मैनेजर, लीड और ये सब रोल से आप यूज टू हो जाते हो, नए नए और नए नए आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व, इश्यू सॉल्व करने मिलते हैं ये प्रोजेक्ट के थ्रू। फिर ये इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ में मैंने क्या क्या सीखा, तो मैं बहुत यूज टू हो गया, जैसे कि जावा 8 के फीचर्स, एक्सेप्शन लगाना, लॉग लगाना, स्प्रिंग सिक्योरिटी, बाद में स्प्रिंग, ऑल अबाउट स्प्रिंग, माइक्रो सर्विसेज, हाइबरनेट, 1 to many, ये वो, गिट। फिर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, सारे फंक्शंस एक एक प्रोजेक्ट में हम लोग ने डाला, बहुत कुछ सीखने मिला। तो माइंडट्री का ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से, और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इन 84 डेज में। और ट्रेन रहा बात, तो ट्रेनिंग में कोई फेल होता है क्या, तो ऑलमोस्ट मेरे बैच में तो कोई, और मेरे बैच और उसके आगे वाले बैच, मैंने सीनियरों से भी पूछा, तो कोई फेल नहीं होता है ट्रेनिंग में। तो आप लोग एकदम चिल होके बस ऐसे मूड में कि मुझे सीखना है, वो उसके बेसिस पे आप लोग स्टार्ट करो और आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, जैसे मैंने गेन किया, बहुत नॉलेज मुझे मिला रिलेटेड टू, पहले मुझे स्प्रिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था, आज मुझे स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आता है, मतलब मैं कर सकता हूँ इंडिविजुअली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद से जावा रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करता हूँ, प्रोग्राम सॉल्व करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में जैसे ट्रेनिंग के हम लोग लास्ट वीक में रहेंगे, तो हम लोग को लोकेशन एलोकेशन हो जाएगा और डोमेन, तो डोमेन इन अ सेंस डोमेन अंदर बहुत सारे रहते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे कि मार्केटिंग रिलेटेड, BFSI, मतलब कौन से फील्ड में आप ये ट्रैक में कौन से फील्ड में यूज़ करने वाले हो, वो डोमेन एलोकेशन। और लोकेशन एलोकेशन तो 5 लोकेशन आपको पहले ही दिया रहेगा, उसमें से कोई एक लोकेशन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तो ट्रेनिंग तक आपको मोस्टली स्टाइपेंड ही मिलता है, उसके बाद आपको मिलेगा सैलरी। तो सैलरी में जब आप पहले प्रोजेक्ट में असाइन, सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, तो पहले प्रोजेक्ट में आपको डायरेक्टली कोड वगैरह नहीं देंगे, तो पहले उन लोग आपको KT सेशंस यानी वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे आपको पढ़ने देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, बोलेंगे कोड देख के समझो, तो मोस्टली ऑलमोस्ट आपके 1 to 2 weeks चले जाएंगे, 3 weeks भी जा सकते हैं समझने के लिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मीटिंग्स भी आपको चालू होंगी, आपके टीम बताएंगे आपको, मीटिंग में समझाएंगे कि कैसे हो रहे हैं, उन लोग जो मीटिंग में बात करते हैं आपको आप यूज टू हो जाओगे। ये एक एजाइल मेथडोलॉजी रहती है जो आपको ट्रेनिंग में सीखने मिलेगा, कि हम लोग स्क्रम में जाके बात करते हैं, अपना इश्यूज बताते हैं, तो टेक्निकल लीड हमारा इश्यूज सॉल्व करते हैं, ये सारे बात के ऊपर
ये सारे चीज़ें आपको पता चलेंगे। तो धीरे धीरे आपको टास्क मिलेगा, तो 50% टास्क पहले देंगे, 50% मतलब छोटे छोटे टास्क, फिर 100% टास्क यानी एक फुल कुछ फीचर बनाने दे वैसा। फिर उसके बाद में जब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो मेरा प्रोजेक्ट था ग्रेडल पे माइक्रो सर्विसेज, एंगुलर, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल और एज़्योर, ये सब टेक्नोलॉजीज उन लोग यूज़ कर रहे थे। तो मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा, तो हो सका आप लोग को लगता है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट या ये, तो बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा और मेरे फ्रेंड जो भी मेरे बैच में थे 5 मार्क, सबको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले और सपोर्ट वर्क कोई भी नहीं कर रहा है, सबको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स। तो मुझे क्या सीखने मिला, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, पर अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। पर अब तक मैंने क्या सीखा है, तो मैंने बहुत सारे गेट APIs बनाए हैं, ऑलमोस्ट 5। फिर मैंने एक पोस्ट API बनाया, मतलब यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया मैंने। फिर उसके बाद में मेरे को सीखने मिला XML से जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्जन कैसे करने का यूजिंग जैक्स भी। फिर जेसन से जावा ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टम डी सीरियलाइजर कैसे बनाते हैं वो सब। फिर मैंने बहुत सारे, मैंने एक SQL स्क्रिप्ट बनाना सीखा एक्सेल से, SQL स्क्रिप्ट बना के डायरेक्टली विदाउट विदाउट मीन्स विदाउट राइटिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स, इंसर्ट इन टू ओनली राइटिंग 1 लाइन एंड ड्रैगिंग ऑल इन एक्सेल शीट विल मेक यू टू डू अ स्क्रिप्ट फॉर ऑलमोस्ट 250 रोज। और बाद में मैंने सीखा जे यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कोई भी फीचर बिल्ड करने का सबसे मेन पार्ट होता है कि टेस्टिंग। पहले फीचर बनाने से पहले टेस्टिंग, आप क्या फीचर बनाने वाले हो उसके ऊपर पहले टेस्ट लिखने का, बाद में आप फीचर डेवलप करने का, बाद में टेस्ट सब पास हो रहे कि नहीं, क्यों फेल हो रहा है आपको सब पता चलेगा। तो ये सब उसके बाद में मैंने ये सब बेसिक्स जो हर लोग सीखते हैं, ये Java 8 सीखा, इसमें सारे में इम्प्लीमेंट किया, एक्सेप्शन लगाने आया, लॉगिंग और अजाइल में कैसे काम करते हैं, तो ये सब मैंने सीखा है। और मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस डालूंगा कि ये सब हम लोग कैसे मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है और क्या 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 डिफ़िकल्टीज आई मुझे, तो ये सारे के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। फिलहाल ये आपके सारे डाउट्स होपफुली मैंने क्लियर कर दिए हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक ये प्रोसीजर कैसा था और मैंने क्या क्या सीखा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे ये सारे रिलेटेड नॉलेज अगर आपको चाहिए, ये सारों के रिलेटेड और भी बहुत सारे नॉलेज, तो मैं देता रहूँगा। थैंक यू।